शहीद करतार सिंह सराभा के जीवन पर बनेगी फिल्म सराभा क्राई फॉर फ्रीडम। 9 नवंबर से होगी भारत अमेरिका व कनाडा में शूटिंग। अगर इस स्टोरी को देखा जाए इंडिया दी लॉन्ग एंड आर्डुअस जर्नी फॉर फ्रीडम कटोकट ये तो 100-150 साल रही स्ट्रगल सी कि घोड़ों को ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान वापस लेना उधर में जब देखा जाए शहीद हुआ था करतार सिंह सराभा पहला शहीद हुआ जिन्हें कि 19 साल के 2 महीने की उम्र में शहीद किया है कि सैन मदर ब्रिटिशर्स लाहौर सेंटर हियर एट द एज ऑफ 19 इयर्स। ये वही कहानी है वही कॉमरेड की कहानी है सोहन सिंह भखना बड़ा एमिनेंट फिगर हुआ सर हिस्ट्री के हरनाम सिंह तुंडिलात एक बड़ा कलरफुल कैरेक्टर है जिसके स्प्रिंग कैरेक्टर कैरेक्टर है जी हरनाम सिंह तुंडिलात का जो कि अगर आप इतिहास में देखें तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा इन्हों दिस कैरेक्टर का पूरा किरदार का जिक्र है जी मूवमेंट सी फ्रीडम मूवमेंट करतार सिंह सराभा जी जनाब एक कलरफुल कैरेक्टर है ये रेवोल्यूशनरी फिल्म है एक आज़ादी के बारे में फिल्म है प्रोफाउंड सब्जेक्ट है पर अंदर यदि अपनी एक स्पेस है अपनी एक थान है और जड़ा बोलता है थोड़ा क्वर्की जहा बोलता है इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ते मैं कॉमेडी तो नहीं कहूँगा पर यह है कि हल्के फुलके मोमेंट्स है फिल्म के अंदर जो दर्शकों को बहुत चंगे लगने क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छे लगे पढ़ते वेले। पहली चीज़ तो यह है जी कि जो इनके डायरेक्टर हैं कवि राज जी जिन्होंने लिखी है फिल्म और जो बना रहे हैं वो हमेशा ऐसी कहानियाँ लेके आती हैं जिनको वाकई जो सुनने लायक होती हैं जिनको सुनाया जा सके जिनकी एक वैल्यू होती है सिर्फ कहानी की और चाहे वो ब्लैक प्रिंस क्यों ना हो चाहे वो बेफुट वॉरियर्स हो तो इसी तरह करतार सिंह सराभा भी वैसे ही फिल्म है तो इतना विश्वास तो मेरे को उन पर हमेशा शुरू से ही था और उनके साथ मैंने बेफुट वॉरियर्स में काम किया और उनका काम करने का जो तरीका है मुझे ऐसा लगा कि इतने साल काम करने के बाद मुझे ऐसे एक डायरेक्टर की ज़रूरत है ऐसे स्क्रिप्ट की ज़रूरत है जहाँ पर मैं अपना इस किस्म का एक फ्लेवर लोगों तक पहुँचा सकूँ कि मैं सिर्फ आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्में नहीं करता बिल्कुल कुछ ऐसी फिल्म ही करता हूँ जिनका मीनिंग होता है और जिनकी वजह से कई बार एक पब्लिक के दिमाग में एक्टर की परसेप्शन थोड़ी सी बदल जाती है सो फॉर मी कवि राज जी एंड हिज स्क्रिप्ट्स एंड हिज फिल्म्स दे आर द बेस्ट चॉइस। जसपिंदर चीमा वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। ये फिल्म है जी सराभा क्राई फॉर सराभा करतार सिंह सराभा साढ़े फ्रीडम फाइटर शहीद उन्होंने उत्ते बन रही है उन्होंने लाइफ के उपर बन रही है। गदर मूवमेंट जो शुरू हुई सी सानू सारे पढ़िया हुंदा सी हिस्ट्री च पढ़ते हैं सो उहदे उपर ही सारी फिल्म बेस्ड है। करतार सिंह सराभे ने किदा फाइट किया साड़ी कंट्री दे लई किदा उन्हें फ्रीडम दे लई फाइट किया तो जे मैं अपनी गल करा तो मैं इहदे विच किरदार प्ले कर रही हाँ। ये जो करतार सिंह सराभा ने गदर मूवमेंट जॉइन किया तो उन्होंने नाल काफ़ी लोग से जोड़े उन्होंने नाल खड़े होंगे तो उन्होंने सिर्फ एक ही कुड़ी सी जिहड़ी नाल उन्होंने खड़ी होंदी सी उहदा नाम सी गुलाब कौर। सो इस लेडी ने अपना घर छड्डिया अपना परिवार छड्डिया सिर्फ तो सिर्फ फ्रीडम दे लई आज़ादी दे लई ते उहनूं इह लगा कि कुड़ियां नूं अगे आउणा चाहीदा सो वूमेन्स नूं सारे नूं मोटीवेट करना लैक्चर्स देना स्पीच देना काफ़ी कुछ होया। सो एक गुलाब कौर बारे जदों मैनूं पता लगा फिर मैं सर्च किया सो दैट मीनस सानूं अपने फ्रीडम फाइटर्स बारे पता ही नहीं है। आई थिंक पहली पंजाब तो पहली फ्रीडम फाइटर सी एक कुड़ी जिहड़ी फ्रीडम लई खड़ी होंदी है। जो डायरैक्टर सर ना गल हुई तो उन्होंने पॉइंट मैं सुन के अच्छा लगा कि भगत सिंह बारे सारे पता है उधम सिंह बारे पता है सुखदेव राजगुरु बट करतार सिंह सराभा बारे लोगों को यही नहीं पता कि भगत सिंह इंस्पायर ही करतार सिंह सराभा जी तो हुए थे। दूजा कारण करतार सिंह सराभे की फिल्म ना बनन का वह है कि गदर मूवमेंट वॉज वेरी ह्यूज बहुत वड्डा सी उन्होंने 2 घंटे की फिल्म बनाना इट्स अ वेरी बिग चैलेंज तुम उन्होंने लाइफ के उत्ते फिल्म बना रहे हो एंड गदर मूवमेंट थोड़ा नाल जोड़ना ही पैना ये भी काफ़ी करैक्टर सो इस फिल्म को बनाना एक चैलेंज सेगा हर एक का बस का रोग नहीं है। सो कवि राज जी ने पहला भी जिन्नी फिल्म बनाई थोड़ा पता ही है ब्लैक प्रिंस वो टॉपिक इदा तो चुकते हैं जोड़ा किसी को चुकया ना जाए सो एक कारण है करतार सिंह सराभा बारे फिल्म बना का कि लोगों को पता लगे कि ही वॉज द वन जिन्हें फाइट किया तो भगत सिंह उन्होंने तो इंस्पायर उन्होंने फोटो अपने पर्स से रखते होंगे सो ये एक मोटिव सीगा उन्होंने इस फिल्म में। इस फिल्म में मैं करतार सिंह सराभा जी का रोल कर रहा हूँ तो उनके बारे में मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है वो काफ़ी जैसे कवि सर ने बोला हेड ऑफ टाइम का उन्होंने गदर मूवमेंट की जो एक मूवमेंट थी इंडिपेंडेंस के लिए उसको संभाला और काफ़ी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रोल है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये रोल करने के लिए सो लेट्स सी।
हाँ, जैसे पागल खबा का जो किरदार था वो उसके बचपन की स्टोरी थी, मिल्खा सिंह के बचपन का जो पार्ट था वो मैंने प्ले किया। और ऐसा जो करतार सिंह सराभा जी का रोल है, उनको 19 ईयर्स ऑफ एज में उनको फांसी कर दी गई थी, तो ये उनकी लाइफ पे मूवी है, उस पर मैं एक पार्ट प्ले कर रहा था। तो काफ़ी डिफरेंस है इसमें, ये भी चैलेंजिंग रोल है, वो भी चैलेंजिंग रोल था। तैयारी या सच, मैं अभी अभी इसके लिए मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, अभी जैसे 2-4 दिन ही हुए हैं, मैंने एक दो बुक्स पढ़ी हैं यूट्यूब पे, काफ़ी मतलब लिमिटेड सा दिया हुआ है वो मैं सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और इंटरनेट पे जो मिल रहा है मैं कर रहा हूँ। तो अभी शूटिंग तक मेरे पास है 10-15 दिन, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ ही सकता हूँ, क्योंकि इसमें फिजिकली है उसका कोई तो ज़रूरत है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहा हूँ। जो कवि सर हैं उनके साथ बैठूंगा, उनसे सुनूंगा कि उनकी क्या स्टोरीज हैं। सो यस, आंडे वाले कबार के रे सेलुलर जेल से की कोर्ट ब्लेयर वाले के जिसमें मैं हम लोग के जा के आया, मैं अपने मन से बहुत कुछ लेके गया था। मैं जेल देखने गया और थोड़ी किस्ती जेल भी देख के आया, पर जिस वेले मैं उठी एक चीज देखी कि पंजाबियों का उसे बिल्कुल ही ना है, उसे जिन्हें कुर्बानी पंजाबी ने देती सरदार दीवान सिंह काले पानी के दौर लैके आए, वो किसी आदमी का उसे उठे कि नाम नहीं है, कोई नाम लैन को तैयार नहीं। तो जी नैक्सट है वो सू जरूर करना चाहिए कि वह अपना जोड़ा देश भगती जी उसे गुम हो गया, उन्होंने दोबारा लैके लोगों के सामने पब्लिक के सामने लैके आओगे कि एक्चुअली जी जेल तैयार हुई थी वो पंजाबियों करके हुई थी, उस वे जेल नहीं सी उत्तर आईलैंड उत्ते उन्होंने छड़ के आ गए। मेरे ख्याल वो 90% जोड़े से वो उस वे खत्म हो गए, ना खाण रही थी ना कोई उन्होंने पीन रही थी, उत्थे ही रह गए। तो उन्होंने चीज़ों को जल के ये मैं ती गल कि अज पंजाब जो साड़ी कुर्बानी है पूरे हिंदुस्तान च वर्ल्ड मैं जो कहाँ तो पंजाबी जो नंबर 1 थे, तो असी क्यों वो नंबर 2 से ज नंबर 3 या 4 से पहुँच गए हैं, कि ये साढ़े बाकी अपना जो कल्चर से जो आप फिल्मों के राही लैके आ सकते हैं, जो कोई होर के उदा लैके आते चौथी जी बनाई है। तो मैं संधु साहब का मैं खास करके इन्हों का धन्यवाद ही करूँगा कि संदीप उन्होंने मैं आख्या चलना, तो वाकई योजे जो शहीदों के कोल इन्हों के लिए आईदा तो वैसे सिर चुक जाता, तो मन भी जरा बहुत उपर जाता, जो जिम्मे मैं आख्या कि बड़ी छोटी उम्र के पढ़ते हैं कितने पहुंचे, तो उत्थे अपने देश की जी आजादी लिए काम किया, तो असी अज उस हवा के जो घूम रहे हैं, तो सानू तो वैसे ही इन्होंने जो ना आना चाहिए सब कुछ छड़ के इस काम से आना चाहिए। और पंजाब गवर्नमेंट में पूरे जी सपोर्ट करेंगे, वो कैप्टन साहब वो पूरी तरह फुल सपोर्ट करेंगे।